beautiful people, I'm Oshin and welcome back to my channel. So guys, from today onwards, I'm starting a bridal series on my YouTube channel because guys, I'm going to get married very soon. और फिर इसके बाद मैं जो भी experience कर रही हूँ and I think जो bridal के लिए essential चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें मैं इस bridal series में आपके साथ share करूँगी. अपना भी experience, अपना body care, अपना skin care, what I'm eating, everything I'm gonna share on this channel. और ये सब चीज़ें ये ब्राइडल सीरीज में मैं आपके साथ शेयर करूंगी. तो फर्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आई हूँ वो मैं लेकर आई हूँ ब्राइडल मेकअप एसेंशियल. जो जो आपको मेकअप एसेंशियल होते हैं, जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जो आप अपने किट में रखेंगे, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी. कभी बाद में दूसरी वीडियो में मैं आपके साथ अपनी मेकअप किट भी शेयर कर लूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी. हो सकता है कि कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो शायद मैं छोड़ दूँ, लेकिन जो एसेंशियल हैं, जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, बिकॉज हर ब्राइड इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करती और हर कोई इतना मेकअप एक्सपर्ट नहीं होता और हर किसी को इतना ज़्यादा मेकअप करना पसंद भी नहीं होता है. कुछ लोग बहुत सिंपल ही रहना चाहते हैं, लेकिन जो एसेंशियल आइटम है मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी. सो इफ यू रियली इंटरेस्टेड प्लीज कीप ऑन वॉचिंग एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, मैं आपके साथ अब आइटम शेयर कर रही हूँ. मैं किसी भी आइटम का ना मैं कोई स्पेसिफिक ब्रांड नेम नहीं बताऊँगी कि आप यही लो, और क्योंकि हर कोई ना अपने बजट के हिसाब से अपनी मेकअप किट बनाता है. तो मैं आपको ये बता दूंगी कि कौन कौन से आइटम होने चाहिए, बट वो किस ब्रांड के हैं वो आपके ऊपर है, जो आपके स्किन को सूट करता है, जैसा आपका स्किन टाइप है, जो भी है वो आपके ऊपर है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपके मेकअप किट पे होना चाहिए, जो कि बहुत ही एसेंशियल है, वो है मॉइस्चराइजर. बिकॉज मेकअप के पहले हम हमारी फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करें ताकि हमारा जो मेकअप है उसके बाद एकदम ग्लोइंग दिखे. उसके ऊपर से हम जब मेकअप लगाएंगे तो अंदर से जब स्किन ग्लो करेगी ना, तभी मेकअप बहुत सुंदर होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मॉइस्चराइजर लीजिए. देन सेकेंड मैं चीज़ बोलूँगी, प्राइमर. प्राइमर भी आपके सारे पोर्स को क्लोज कर देता है, फिर बहुत ही अच्छा एकदम फिनिशिंग जो आपके मेकअप की है, बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आती है. कुछ लोग मेकअप प्राइमर यूज़ नहीं भी करते हैं और उसकी जगह आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप क्या लगाना चाहते हैं. सो गाइज, जो नेक्स्ट चीज़ है जो हमारे फेस में एंड मेकअप के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस वहीं सेट करता है, तो वो होता है फाउंडेशन. तो मैं बोलूँगी आप एक अच्छे से फाउंडेशन में इन्वेस्ट करिए, बिकॉज वही हमारे मेकअप का बेस होता है. तो आप इससे मतलब आप थोड़ा ना इसके लिए अपना बजट थोड़ा हाई रखिए और एक अच्छे से फाउंडेशन में इन्वेस्ट करिए, बिकॉज बहुत सारे अच्छे अच्छे फाउंडेशन हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के और बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, अच्छी कवरेज वाले. आपको जैसा आपके स्किन टाइप को सूट करे वैसा आप फाउंडेशन लीजिए. एंड यू नो, आप अपने जो आपका बॉडी, आपका जो स्किन कलर है, उस शेड के हिसाब से फाउंडेशन चूज करिए तो वो ज़्यादा बेटर होगा. नेक्स्ट होता है कंसीलर. जो फाउंडेशन के बाद आपके जो डार्क स्पॉट्स एंड कुछ फाइन लाइन्स होती हैं वो आप कंसील कर सकते हैं कंसीलर से. डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंसीलर्स हैं मार्केट में, जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप अपने हिसाब से खरीद सकते हैं. सो गाइज, नेक्स्ट होता है कॉम्पैक्ट. जो आप अपने फेस को मतलब फाउंडेशन के बाद एंड कंसील करने के बाद अपने मेकअप को एकदम सेट करेंगे, अच्छे से अपने मेकअप को मिलाएंगे अपने फेस पे, तो उसके लिए आपको लूज पाउडर चाहिए, कॉम्पैक्ट पाउडर. आपको जो लेना हो आप वो ले सकते हैं, बट ये एक कॉम्पैक्ट लूज पाउडर ये होना आपके मेकअप किट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट मैं बोलूँगी आई मेकअप. तो आई मेकअप के लिए आपको आई शेडो पैलेट की ज़रूरत होती है, एंड जो चीज़ बहुत एसेंशियल होती है वो होता है लाइनर, काजल एंड मस्कारा. तो मस्कारा मैं बोलूँगी कि ऐसे मस्कारे में इन्वेस्ट करिए जो आपको अच्छी वॉल्यूम दो आपको लैशेस को, ताकि आपकी लैशेस अच्छी घनी लगे, बहुत ही प्यारी लगती हैं. और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आई लाइनर्स भी हैं, जेल लाइनर्स हैं, लिक्विड लाइनर्स हैं एंड स्केच लाइनर्स हैं. जो भी आपके लिए कन्वीनियंट ऑप्शन है आप वो चुन सकते हैं. नेक्स्ट काजल. काजल आप डार्क लें, और आजकल तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के काजल्स होते हैं, उस पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. और अगर आप एक बहुत ही अच्छे आई मेकअप आर्टिस्ट हैं, मतलब आई शैडो आपको बहुत ही अच्छा लगाते आता है, तो आप एक अच्छी महंगी आई शैडो पैलेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. लेकिन मैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आई मेकअप उतना अच्छा नहीं है, मतलब जस्ट उन्होंने हल्का फुल्का लगा लिया, तो उनके लिए ना आप छोटी छोटी मेकअप किट मतलब आई शैडो पैलेट्स भी आती हैं, अफोर्डेबल भी होती हैं काफ़ी, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो गाइज, नेक्स्ट होती है लिपस्टिक. लिपस्टिक के बिना तो जान ही नहीं आती है मेकअप में, तो आप अलग अलग टाइप की लिपस्टिक में इन्वेस्ट कर सकते हैं. लिक्विड लिपस्टिक्स भी, किसी को मैट पसंद होती है, किसी को लिप क्रेयॉन्स अच्छे लगते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की बहुत ही अच्छी अच्छी लिपस्टिक्स है. बट मैं बोलूँगी कि आप एक ही टाइप के कलर्स में इन्वेस्ट ना करिए, आप न्यूड शेड्स में भी करिए, थोड़े डार्क शेड्स में भी करिए, बिकॉज रोज ही आप बहुत हैवी मेकअप नहीं कैरी करेंगे, तो न्यूड शेड्स
बेटर होते हैं। नेक्स्ट मैं आपके लिए बोलूँगी कि आपने पूरा मेकअप कर लिया है देन रेड चीक्स तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो ब्लश एक अच्छे ब्लश पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ब्लश होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट होता है हाइलाइटर, तो हाइलाइटर से आप अपनी चीक बोन्स को अपने आईज के पास मैंने देखा यहाँ पे बोन्स को हाईलाइट करते हैं आपके नोज़ को और बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप एक अच्छे हाइलाइटर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाइलाइटर होना कंपल्सरी आपके मेकअप किट में। नेक्स्ट आपका जब सारा मेकअप हो गया है तो पूरे मेकअप को सेट करने के लिए आपके पास मेकअप सेटिंग स्प्रे होना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद जब पूरा मेकअप हो गया है, आपने मेकअप को सेट कर लिया, उसके बाद आप कहीं जा रहे हैं, लौट के आ रहे हैं, तो उसके बाद आपके पास एक मेकअप को पूरा क्लीन करने के लिए माइसिलर वाटर होना बहुत ज़रूरी है, और माइसिलर वाटर नहीं है तो आप बेबी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं इसे क्लीन करने के लिए। सो गाइज ये हमारी सिंपल मेकअप किट थी जो मतलब मेकअप किट में एसेंशियल होता है, लेकिन आप एक ब्राइड हैं तो कुछ और एक्स्ट्रा आइटम्स आपके मेकअप किट में होना चाहिए, जैसे कि सिंदूर, सिंदूर होना बहुत ज़रूरी है वरना दूसरे दिन आप अपनी रेड लिपस्टिक से सिंदूर लगाएंगे। नेक्स्ट होती है बिंदियाँ, अभी हमें आदत नहीं है बिंदी लगाने की, इससे शायद हम इस चीज़ को भूल सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को ज़रूर अपने मेकअप किट में ऐड करिए। तो आपको जो भी साइज़ चाहिए आप अपने हिसाब से 2-3 पत्ते डाल सकते हैं अपने मेकअप किट में। नेक्स्ट होता है नेल पेंट, नेल पेंट में मैं आपको बोलूँगी डार्क शेड्स भी रखिए, थोड़े न्यूड शेड्स भी रखिए, एंड नेल पेंट आपने रखे हैं तो नेल पेंट रिमूवर भी ज़रूर रखिए, एंड कॉटन्स भी ज़रूर कैरी करिए, बिकॉज कॉटन्स आपको मेकअप क्लीन करने के लिए भी यूज़ होगी एंड नेल पेंट क्लीन करने के लिए भी। सो मेरे हिसाब से मैंने सारे जो ब्राइडल मेकअप एसेंशियल है वो इस वीडियो में कवर कर लिया है, एंड होप अगर कुछ छोड़ा होगा तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। सो इफ़ यू रियली लाइक इट डू सब्सक्राइब टू माई चैनल and hit the bell icon also, so we'll meet in the next video. Till then, goodbye, take care, stay tuned, be beautiful, be safe.